हाई एवरी वन वेलकम टू यूर चैनल कंट्रोल सी कंट्रोल वी आज हम द ओपन विंडो चैप्टर का पार्ट टू करने वाले हैं अगर आपने इस चैप्टर का पार्ट वन का वीडियो नहीं देखा है तो आपके टॉप राइट कॉर्नर में इसका लिंक है उसे क्लिक करें और ज़रूर देखें बिफोर वी स्टार्ट अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब और हमें सपोर्ट करें सो so, पिछले पार्ट में हमने देखा था कि मिस्टर नटल मिसेस सैपल्टन के घर आते हैं अपनी बहन के कहने पे एंड वहाँ पे उनको उनकी नीस मिलती है नीस जो है उनको एक स्टोरी सुनाती है मिसेस एपल्टन के बारे में कि कैसे उनके साथ एक ट्रेजिडी हुई है उसी दिन, दिन हैल दल है, में धस के दे ऑल डाइड तो उसके बाद उस पॉइंट पे वो पार्ट वन खत्म होता है एंड देन अब हम पार्ट टू पढ़ते हैं मिसेस एपल्टन कम्स डाउन एट लास्ट एंड इन एडवर्टेंटली कंफर्म्स हर नीस स्टोरी फ्राम tries to acquaint his host with the nature of his ailment through the open window he can see things that worsen his nerves so Mrs Appleton finally नीचे आती है she comes down at last and inadvertently inadvertently का मतलब क्या होता है obviously it's an adverb and इसका मतलब होता है accidentally या unintentionally मतलब आपका कोई intention नहीं है कोई काम करने का फिर भी अगर आप फोक कर दें तो दैट यू से अन इंटेंशनली हमने काम कर दिया सो शी इन इनवर्टेंटली कन्फर्म स्टोरी सो पे इसका मतलब है कि वो अनजाने से बेसिकली उन्होंने अपनी नीस की स्टोरी कन्फर्म कर दी मिस्टर फ्रैमटन को मिस्टर फ्रैमटन ट्राइज टू अक्वेंट हिज होस्ट नेचर ऑफ हिस्स एलमेंट अक्वेंट का मतलब होता है परिचय कराना या गेट टू नो सो so, वो उन्होंने कोशिश की कि वो मिसेस सैपल्टन को उनकी जो एलमेंट है उनकी जो सिकनेस है एलमेंट का मतलब होता है इलनेस या कोई भी बीमारी को हम एलमेंट बोलते हैं सो so, अपनी बीमारी के बारे में उनको परिचय कराया कोशिश की परिचय कराने की थ्रू द ओपन विंडो ही कैन सी थिंग्स दैट वर्स इन हिज नर्व्स और ओपन विंडो के थ्रू उन्होंने ऐसा कुछ देखा जिससे उनकी हालत और ख़राब हो गई उनके जो नर्व्स थे एंग्जाइटी और भी ज़्यादा वर्सन हो गई मतलब वो और ज्यादा एंगजाइटी में आ गया गए so, नर्व्स का यहाँ पे मतलब होता है एंग्जाइटी जैसा हमने लास्ट पार्ट में भी पढ़ा था सो so, ऐसा क्या होता है क्या देखते हैं वो जिनसे उनकी हालत और खराब हो जाती है तो हम ये पार्ट टू में पढ़ते हैं शी ब्रोक ऑफ विद लिटिल शडर इट वॉज अ रिलीव टू फ्रामटन वेन द आंट बसल्ड इन टू द रूम विद अ विदर्ड ऑफ अपोलॉजीज फॉर बींग लेट इन मेकिंग हर आई होप वेरा हैज बीन अम्यूजिंग यू शी सेट शी हैज बीन वेरी इंटरेस्टिंग है

शडर शडर shudder. Shudder का मतलब होता है कप कपाना या थर थराना ट्रेबल विथ फीय डर से अगर आप कप कपाते हैं थर आ जाते हैं तो उसको आप शडर बोलते हैं It was a relief to तो फ्रैमटन के लिए ये एक रिलीफ था ये राहत की बात थी जब आंट बसल करती है रूम में बसल करना यानी एंटर नॉइजली और शोर के साथ एंटर करना एंड क्या चीज का शोर कर रही थी वो बेसिकली वो वर्ल्ड ऑफ अपॉलॉजीज दे रही थी ऐसे बोलते हुए आई थी कि मुझे माफ कर दीजिए एट्सेट्रा कि मैं इतने लेट हो गई हूँ सो वो बार बार अपॉलॉजीज बोले जा रही थी सो दैट्स वर्ल्ड ऑफ अपॉलॉजीज वर्ल्ड मतलब एक तरह का भंवर हो गया वर्ल्ड का मतलब होता है भंवर सो वर्ल्ड ऑफ अपॉलॉजीज मतलब अपोलॉजीज के भंवर के साथ है बहुत ज़्यादा अपोलॉजीज वो दे रही थी सो so, इसका सिंपली मतलब होगा हो कि मैनी अपोलॉजीज एन अपोलॉजी का मतलब होता है कि आप किसी चीज़ के लिए अगर आप सॉरी होते हो तो आप उसको अपोलॉजी बोलते हो सो वो रूम में घुसी इतने सारे अपोलॉजीज करते हुए कि वो लेट हो गई एंड ये फ्रैमटन के लिए रिलीफ की बात थी क्यों बिकॉज वो ऑलरेडी नीस से एक हॉरिफिक uh, स्टोरी सुन रहे थे uh, जो मिसेज सैपल्टन की ट्रेजिडी के बारे में थी एंड उन्होंने ये भी बताया कि वो हर शाम को उनका वेट करती तो उनके लिए थोड़ा सा टेरीफाइंग मोमेंट हो गया था कि ये ऐसी स्टोरी सुना रही है आई होप वेरा हैज बिन अम्यूजिंग यू सो अब मिसेस एपल्टन बोलती हैं कि आई होप कि जो वेरा है हमें पता लगता है कि उनके नीस का नाम क्या है वेरा हैज बिन अम्यूजिंग यू सो आई होप वेरा ने आपको अम्यूज करके रखा है प्लीज करके रखा है सो फ्रैंडन रिप्लाई करते हैं शी हैज़ बिन वेरी इंटरेस्टिंग ये काफी इंटरेस्टिंग है उन्होंने मुझे काफी इंटरेस्टेड रखा सो so वो ऑब्वियसली बोलना नहीं चाह रहे थे कि कैसे उन्हें डरा दिया था उन्होंने ऐसी भयानक स्टोरी बता के एंड ऑब्वियसली अब उनको पता चलेगा कि मिसेस सेपल्टन जो है इस तरह से रोज वेट करती है अपने मरे हुए पति के लिए और भाइयों के लिए तो वो थोड़े से डिस्टर्ब भी हो गए हैं सो इंस्टेड ऑफ सी है इन्होंने मुझे डिस्टर्ब कर दिया आपकी स्टोरी बता के उन्होंने सिंपली कहा कि न्यूट्रल वे में कि हाँ शी हैज़ बिन वेरी इंटरेस्टिंग नाउ अब मिसिस सेपल्टन uh, उस ओपन विंडो के बारे में रेफर करती हैं कि आई होप यू डोंट माइंड आई होप आप माइंड नहीं करेंगे ये जो ओपन विंडो है सेट मिसिज सेपल्टन ब्रिस्कली ब्रिस्कली तेजी से तेजी यानी स्पीड में बहुत तेज तेज बोलना बेसिकली यू कैन से क्विकली क्विकली एंड विथ एनर्जी क्विकली एंड एनर्जेटिकली उसको आप ब्रिस्कली बोलते हो स्पेशली आप ब्रिस्कली वर्ड जो है दौड़ने के लिए आप यूज़ करते हो वॉकिंग के लिए यूज करते हो देट ही इज वॉकिंग ब्रिस्कली वॉकिंग ब्रिस्कली सो वैन यू सी की कोई ब्रिस्कली चल रहा है इसका मतलब बहुत तेजी से और एनर्जी के साथ सम बट यहाँ पे क्योंकि उनके बोलने के लिए यूज किया इसका मतलब तो बहुत ही तेजी से उन्होंने बोला एंड क्या उन्होंने ऐड किया माई हस्बैंड एंड ब्रदर्स विल बी होम डायरेक्टली फ्रॉम शूटिंग सो बोल रही कि मेरे हस्बैंड और ब्रदर जो है घर डायरेक्टली आएंगे शूटिंग के बाद एंड दे ऑलवेज कम दिस वे और वो हमेशा इसी रास्ते से आते हैं सो so अभी भी ऐसा लगता है कि वो पास्ट में ही है वो अभी भी जैसा वेरा ने बताया अभी भी यही अज्यूम करती है कि उनके जो हस्बैंड है वो ब्रदर वापिस आएंगे उस दिन सो so बेसिकली ये एनिवर्सरी का दिन है बेसिकली उनकी डेथ एनिवर्सरी है ये अकॉर्डिंग टू वेरा एंड जब भी वो दिन आता है तो उनको हमेशा ऐसा लगता है कि ये वापिस आएंगे दे हैव बीन आउट फॉर स्नाइप इन द मार्शेस टूडे सो वो कहाँ गए हैं दे हैव बीन आउट फॉर स्नाइप स्नाइप एक तरह की बर्ड है सो so, उसकी तलाश में वो गए हैं दे हैव बीन आउट फॉर स्नाइप इन सो so, का मतलब होता है ऐसी जगह जहाँ पे बहुत ज्यादा पानी हो बहुत ही ज्यादा दलदल हो बहुत ही गीली जमीन उसको मार्शेस बोलते हैं सो यू कैन से वेटलैंड इनका दूसरा टर्म होता है वेटलैंड तो मार्शेस में गए हैं एंड देक अस ओवर माई पुअर कार्पेट्स तो फिर वो क्या बोल रही है कि जैसे वो वापस आएंगे मार्शे से क्योंकि बहुत ज्यादा दलदल और बहुत ज्यादा गंदगी है वहां तो जब भी वो वापस आएंगे तो जो मेरी दरी यहाँ पे है जो कारपेट है उसमें बहुत ही ज्यादा गंदगी करेंगे दिल में फाइन यानी गंदगी सो लाइक यू मैन फोक इज इन डेड मैन फोक का मतलब ग्रुप ऑफ मैन जब भी आप सारे मैन को रेफर करें एक साथ तो आप यू विल से मैन फोक आज के जमाने में इतना पॉपुलर टर्म नहीं है आज के जमाने में कोई राइटर लिखेगा तो ही विल और शी विल सिंपली से सो लाइक यू मैन बट ओके मैन फोक बहुत ही पुराना यूसेज है सो इज ट्राइंग टू से ये टिपिकल है आप मेन के लिए बेसिकली आप बाहर से आते हैं गंद, फिर घर में आके गंदगी फैला देते हैं so, आप men के लिए बहुत ही कॉमन चीज है so, एक एक तरह से उन्होंने दिया। शूटिंग एंड द एंड प्रस्पेक्ट्स फॉर डक इन विंटर रैटल्ड ऑन रैटल्ड ऑन का मतलब होता है वेंट ऑन स्पीकिंग चीयरफुली सो बहुत खुशी के साथ बहुत ही अच्छे मूड में शी कंटिन्यूड वो वापस बोलना स्टार्ट करती है एंड वो बता रही थी उनको किस कैचीज के बारे में शूटिंग के बारे में और कैसे स्केरसिटी स्केरसिटी यानी शॉर्टेज होना सो so, उनको शूटिंग के बारे में बता रही हैं और कैसे बर्ड्स की शॉर्टेज होगी उसके बारे में बता रही हैं एंड प्रोस्पेक्ट्स ऑफ डक इन द विंटर एंड डक्स के विंटर में होने की संभावना प्रोस्पेक्ट्स so, का मतलब होता है संभावना पॉसिबिलिटी टू फ्राम इट वाज प्योरली हॉरेबल

क्योंकि उनको पता है कि मिसेस सैपल्टन अपने मरे हुए पति के बारे में बात कर रही हैं एंड वो एक तरह से उनको लग रहा था कि बहुत ही अजीब से सिचुएशन में वो फंस गए हैं जहाँ पे क्योंकि उनकी नीस ने बता रखा है कि ये रियल में अभी जिंदा नहीं है एंड उनके बारे में बता रहे हैं तो अब वो फंस गए हैं कि वो कैसे बात करें तो so उनके लिए पूरा जो सिचुएशन है बहुत ही भयानक सा सिचुएशन हो गया सो बहुत ही डेस्परेट एफर्ट डाला ताकि वो जो पूरा टॉपिक है पूरे बात करने की टॉपिक है उसको वो चेंज कर सके सो ही मेड अ डेस्परेट डेस्परेट का मतलब होता है उनके पास कोई चारा नहीं बचा बिल्कुल होपलेस हो गए थे तो इसलिए उन्होंने एक effort डाला, desperate effort डाला, But it was only partially successful. मतलब पूरी तरह से नहीं हुए, पार्शली सक्सेसफुल थे एंड उन्होंने टॉपिक को कैसे डिस्क्राइब किया इस पूरे टॉपिक को ghastly, ghastly अगेन मतलब होता है भयानक घैसली का मतलब horrible या भयानक,

सो इन शॉर्ट वो पूरी तरह से उन उनपे अटेंशन नहीं दे रही क्योंकि उनका पूरा जो मन है डाइवर्टेड है कहाँ पर उस विंडो की तरफ राइज राइसर कॉन्स्टेंटली पास्ट हिम टू द ओपन विंडो सो उनकी आंखें जो है कॉन्स्टेंटली बार बार स्ट्रेइंग पास्ट स्ट्रे का मतलब होता है भटकना तो so बार बार उनका जो उनका जो ध्यान है कहाँ भटक रहा था ओपन विंडो की तरफ भटक रहा था एंड द लॉन बियॉन्ड और उसके बाद जो भी लॉन है उस जगह उनका जो ध्यान है पूरा भटक रहा था इट वॉज सर्टनली एन अनफॉर्चुनेट कोसिडेंस तो उनके लिए आ, ये एक अनफॉर्चुनेट कोइंसिडेंस था मतलब बदकिस्मती से भरा हुआ अनफॉर्चुनेट यानी इतफाक उनके लिए एक बहुत ही बदकिस्मती से भरा हुआ इतफाक था कि वो उस दिन आए जिस दिन इस पर्टिकुलर ट्रेजिक इवेंट की एनिवर्सरी थी द डॉक्टर्स अग्री इन ऑर्डरिंग मी कंप्लीट रेस्ट एंड एबसेंस ऑफ मेंटल एक्साइटमेंट एंड अवॉइडेंस ऑफ एनीथिंग इन द नेचर ऑफ वायलेंट फिजिकल एक्सरसाइज अनाउंस फ्राम Who labored under the tolerably widespread delusion that total strangers and chance acquaintances are hungry for the least details of one's ailments and infirmities, their cause and cure. On the matter of diet, they are not so much in agreement, he continued. ये पैराग्राफ थोड़ा सा डिफिकल्ट है टू अंडरस्टैंड बिकॉज थोड़े कॉम्प्लेक्स वर्ड्स यूज किए गए हैं एंड इस पर्टिकुलर सेंटेंस का जो फॉर्मेशन है वो भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट हम इसको इस पर्टिकुलर सेंटेंस को ब्रेक डाउन करेंगे एंड uh, समझेंगे कि ये पैराग्राफ का मीनिंग क्या है बेसिकली कोर्ट्स में है तो वो कुछ बोल रहे हैं सो फ्रैम्पटन अनाउंस उन्होंने क्या बोला कि डॉक्टर अग्री इन ऑर्डरिंग मी कंप्लीट रेस्ट सो डॉक्टर अग्री करते हैं जिन जिनके पास भी वो गए हैं वो सारे डॉक्टर अग्री करते हैं कि उन्हें कंप्लीट रेस्ट चाहिए एन एब्सेंस ऑफ मेंटल एक्साइटमेंट किसी भी तरह का मेंटल एक्साइटमेंट नहीं होना चाहिए उनको ऐसी कोई भी चीज नहीं होनी चाहिए जो मेंटली उनके दिमाग को एक्साइट कर दें अवॉइडेंस ऑफ एनी थिंग इन द नेचर ऑफ वायलेंट फिजिकल एक्सरसाइज और कोई भी ऐसी चीज जो कि वायलेंट हो फिजिकल हो उससे वो अवॉइड करें तो दो चीजें डॉक्टर ने अग्री किया था उनके लिए तो so, बेसिकली उनको बता रहे ताकि उनका जो मन है डाइवर्ट हो जाए उस टॉपिक से एंड वो उनकी प्रॉब्लम के बारे में बात करने लगे जिसके लिए वो एक्चुअली में आए थे हु लेबर्ड लेबर्ड का मतलब होता है मेड एन एफर्ट उन्होंने कोशिश की एफर्ट लगाया अंडर द टॉलरेबली वाइड स्प्रेड डिल्यूशन डिल्यूशन का मतलब होता है एक गलत धारणा जिसको हम बोलते हैं अ फॉल्स बिलीव को ऐसी चीज ऐसी बिलीव जो कि गलत है फॉल्स बिलीव दट इज डिल्यूशन आप किसी गलत चीज को सही मानने लगे तो वी से यू आर इन डिल्यूशन आपको डिल्यूजन है इस चीज़ का सो दैट्स अ फॉल्स बिलीव सो टॉलरेबली वाइट स्प्रेड डिल्यूशन इस पर्टिकुलर फ्रेज का क्या मतलब है सो टॉलरेबली वाइड स्प्रेड का क्या मतलब है समथिंग दैट मेनी पीपल बिलीव सो मेनी पीपल नो सो ऐसी चीज जो कि काफी लोगों को पता है सो so बेसिकली ऐसे डिल्यूजन की बात कर रहे हैं जो कि बहुत ज्यादा लोग बिलीव भी करते थे बहुत लोगों को ऐसा डिसबिलीव है एंड इन फैक्ट लेबर अंडर अ डिल्यूजन इज अ फ्रेज जिसका मतलब होता है

जिनसे आप कभी कभार मिलते हैं ऐसे लोग जिनसे आप कभी जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पड़ोसी हो गए या ऐसे कोई लोग जिनसे फॉर एग्जाम्पल आप शॉपकीपर्स हो गए जिनसे आप रोज नहीं मिलते हैं एंड इससे अच्छी फ्रेंडशिप नहीं है बस तो आप हाँ उनको जानते हैं सो तो ऐसे चांस एंड स्ट्रेंजर्स क्या चीज के लिए बुक है आपके एलिमेंट आपकी जो बीमारी हैं आपके साथ जो भी प्रॉब्लम्स हैं सो एलिमेंट्स का मतलब हमने देखा था इलनेस होती है एंड इन्फर्मिटीज का मतलब भी सेम इलनेस होता है कोई भी सिकनेस हो गई फॉर एग्जाम्पल सो आपकी सिकनेस आपके कोई भी प्रॉब्लम्स है उनके बारे में डिटेल लेने के लिए वो हंगरी होते हैं एंड वो कैसे हुआ उनका कॉज उनका क्योर क्या है सो so, उनके मन में फ्रैपटन के मन में क्या गलत धारणा थी कि जितने भी स्ट्रेंजर्स होते हैं और चांस सिक्वेंटेज होते हैं उनको छोटी से छोटी डिटेल चाहिए होती है आपके साथ जो भी प्रॉब्लम्स है एंड uh, उसके काजेस उसके क्योर के बारे में एंड ये सोचते हुए उन्होंने एक्सप्लेन uh, करने लगे कि डॉक्टर्स जो उनके बारे में क्या बोलते हैं द मैटर ऑफ डायट देआर नॉट सो मच इन अग्रीमेंट ही कंटिन्यू एंड फिर उन्होंने क्या बोला कि डायट के बारे में दे आर नॉट सो मच इन अग्रीमेंट वो बहुत ज्यादा अग्री नहीं करते हैं सो so, एक चीज पे अग्री करते हैं कि उनको कम्पलीट रेस्ट चाहिए उनको मेंटल एक्साइटमेंट नहीं होना चाहिए और किसी भी तरह के वायलेंट फिजिकल एक्सरसाइज उनको नहीं करने चाहिए बट डायट के बारे में वो सब अलग अलग राय दे रहे हैं वो अग्री नहीं करते हैं कोई कुछ बोल रहा है नो सेट मिसेज सैपल्टन इन अ वॉइसली ब्राइटन इन टू अलर्ट अटेंशन बट नॉट टू वॉट फ्रम से आर एट लास्ट शी क्राइड Just in time for tea. And जस्ट they टाइम फॉर टी एंड डोंट दे लुक एज इफ दे वी टू दईसल्टन रिप्लाई में बोलती है नहीं बेसिकली वैन साइड की हाँ वो अग्री नहीं करते तो अच्छा नहीं करते हैं उन्होंने बोला And वो इस तरह से बोला कि उसके बाद उनको उबास की आने लगी तो so बेसिकली वो बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं ले रही थी उनके बातों में क्योंकि उनका ध्यान सिर्फ विंडो की तरफ था फिर अचानक से शी ब्राइटेंड इंटू अलर्ट अटेंशन सो ब्राइटेंड इंटू अलर्ट अटेंशन यानी एकदम से चौकनी होगी बट नॉट टू वॉर्ड फ्रैमटन वॉज सेम बट जो फ्रैपटन बोल रहे थे उसकी वजह से नहीं सो बेसिकली उन्होंने कुछ देखा खिड़की की तरफ और वो एकदम से वो अटेंशन में आ गई लास्ट सो फाइनली ये यहाँ पर आ गए हियर दे आर एट लास्ट उन्होंने एकदम चिल्ला के बोला तेज बोला तेज आवाज में जस्ट इन टाइम फॉर टी सो बेसिकली एकदम से एक्साइटेड हो गए उन्होंने बोला कि फाइनली ये आ गए जस्ट इन टाइम फॉर टी एकदम चाय के समय में सही समय पे उनको देख के ऐसा नहीं लगता कि आंखों तक उनके ऊपर मिट्टी भरी हुई है सो मडी अप टू द आईज मतलब दे आर कवर्ड इन

फ्रैमटन शिवर्ट्स स्लाइटली, ली सो फ्रैमटन थोड़ा सा कप कपाए डर की वजह से एंड उन्होंने नीज़ की तरफ देखा टर्न टूवर्ड्स नीज विध एट लुक इंटेंडेड टू कन्वे सिंपथेटिक कॉम्प्रिहेंशन उन्होंने नीज की तरफ एक सिंपती के साथ देखा इंटेंड किया कि सिंपत्ती जताए मिसेस एपल्टन की और, उनको पता था कि उनके पति जो है मर चुके हैं एंड वो कभी वापिस नहीं आ सकते एंड ऐसुस की उन्होंने बोला की हाँ ये देखो आगे तुमको ऐसा लगा की अभी भी इस भ्रम में है देखो कि उनको चीजें दिख रही है वो भ्रम में है तो एक सिंपती के साथ एक सिंपति वाले अंडरस्टैंडिंग के साथ तो मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग सो so, एक सिंपति uh, और अंडरस्टैंडिंग कन्वे करने के तरीके से उन्होंने नीस को देखा द चाइल्डो विदेड हॉरर इन आइज बट उन्होंने क्या देखा कि जो नीस है वो भी ओपन विंडो के तरफ देख रही है विथ अ डेज हॉरर डेज्ड यानी होता है शॉक्ड कि आप जब शॉक में होते हो तो यू से यू आर डेज और एकदम शॉक भयानक हालत में उनके आंखों में भयानक दिख रहा था जब ओपन की तरफ देख रही थी। इन ऑफ नेमलेस फियर, और उनकी आंखों में शॉक देख के उनको खुद को शौक लगा और नेमलेस समझ नहीं पा रहे थे वो किस तरह का फियर है वो डर उनके अंदर एकदम से बैठा इन चिल शॉक ऑफ नेमले उनको एक तरह का फियर का शौक लगा उनको एकदम से डर लगा एंड वो स...

विंडो की तरफ और सब गन कैरी कर रहे थे अपने आर्म्स में एंड एक के पास एडिशनली एक वाइट कोट जो था उनके कंधे पे था सो so, ये सेम डिस्क्रिप्शन था जो वेरा ने बताया था कि जो कपड़े उन्होंने पहने थे उस ट्रेजिक डे के दिन सेम वही कपड़े पहने हुए उस तरह से गन कैरी करते हुए अपने आर्म्स में ये तीन लोग जो है वापिस ओपन विंडो की तरफ आ रहे थे और उनके पीछे पीछे एक जो थका हुआ ब्राउन स्पेनियल सो so, ब्राउन स्पेनल हमने हम देखा था स्पेनियल एक ब्रीड ऑफ डॉग है पार्ट वन में एंड जैसा कि वेरा ने बताया था कि उनका डॉग भी उस दिन मर गया था सो so, वो डॉग भी उनको दिखा थका हुआ उनके पीछे पीछे आते हुए क्लोज है ना उनके पास पास आ, कोशिश कर रहा था कि उनसे कैचअ कर सके सो so, उनके पीछे पीछे वो आ रहा था नॉइज द हाउस एंड देन अ यंग वॉइस चैंटेड यानी रफ रफ या हार्श हार्श सो वॉइस में उनमें से एक क्या गाने लगा आई से बर्टी वाई डू यू बाउंड सो ये वही सॉन्ग था जो मिसेस एपल्टन को पसंद नहीं जैसे वो इरिटेट हो जाती थी सो so, जैसे ही वो घर के पास पहुंचे ऑलमोस्ट बिना नॉइस के एकदम शांति से उनमें से एक फोर्स यंग वॉयस के साथ क्या गाने लगा आई से बर्टी वाई डू यू बाउंड एंड यहाँ पे पार्ट टू खत्म होता है एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट पे खत्म हुआ है बिकॉज उस ट्रेजिक डे की एनिवर्सरी थी आज एंड वो तीनों जो है अपियर होते हैं एकदम से ओपन विंडो के पास सो so, अभी सस्पेंस में ये पार्ट खत्म हुआ एंड वी विल सी कि पार्ट थ्री में एक्चुअली क्या होता है यू कैन एक्चुअली थिंक अबाउट पार्ट थ्री में जाने से पहले अब आप सोच सकते हैं अभी तक की जो स्टोरी आपने सोची है पार्ट वन पार्ट टू में कि एक्चुअली हुआ क्या है कि क्या उन्होंने घोष देखा एंड क्या ऐसा हो गया कि क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आप चीजें जो देखते हो एक्चुअली में होती नहीं आपको एक भ्रम सा हो जाता है इतना फॉग होगा ऐसे ठंड का समय है फॉग में उन्हें कुछ ऐसे फिगर्स दिख रहे हैं जो उनको लग रहा है कि नो वही तीनों हैं क्या ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसे तीन लोग आए हैं यू नो उनके भेष में बट एक्चुअली में उनके ब्रदर या हस्बैंड नहीं है सो so आप सोचिए कि क्या हो सकता है एक्चुअली में स्टोरी में पार्ट थ्री में हम देखेंगे कि वॉट हैपन्स तो चलिए इस पार्ट के कॉम्प्रीहेंशन चेक से क्वेश्चन करते हैं

उन्होंने क्या देखा सो ही सॉ थ्री फिगर्स वॉकिंग अक्रॉस द लॉन यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं Noiselessly. बिना आवाज़ के अ वाइट कोट ओवर हिज शोल्डर्स सो वो गन कैरी कर रहे थे अपने आर्म्स के नीचे एंड उनमें से एक जो बेसिकली उनका हस्बैंड था वो एक वाइट कोट अपने शोल्डर पे लादे हुए आ रहे थे दे फॉलोड बाय एस स्पैनियल इट अपियर देथ मिसिस सैपल्टन हस्बैंड एंड हर ब्रदर्स हैड रिटर्न फ्रॉम द डेड सो ऐसा लग रहा था कि उनके जो हस्बैंड है और जो ब्रदर हैं वो मरने के बाद वापस आ गए है। so, so, हैं सो रिटर्न फ्रॉम द डेड यानी कम बैक अलाइक सो वापस जिंदा हो गए ऐसा लग रहा था थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक दीजिए अपने कमेंट्स एंड फीडबैक्स कमेंट सेक्शन में लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब इस गोल लोगो पे क्लिक करके सब्सक्राइब बटन दबा के कर सकते हैं अब आप हमें इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं हमारी आईडीज आपके स्क्रीन पर हैं इस चैप्टर के पार्ट थ्री के वीडियो के लिए बाय बाय